परिणाम बैगिंग करने से कभी नहीं आते। देश की राजनीति का उसूल है हाथ बढ़ा करके दूसरे हाथ रोके जाते हैं तब अपने अधिकार स्थापित होते हैं। ओबीसी बीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी लगभग किसी प्रदेश में 75 किसी में 70 और किसी में 80% हंसराज जी 2 मिनट आप बैठ जाएंगे तो मैं बोलता हूँ आप इंटरप्शन करेंगे तो मैं बोलूंगा कुछ। मित्रों मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि एक प्रदेश में इतना बड़ा आरक्षण को लेकर के तांडव होता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारी एक टीम लड़ती है। हमारे ही प्रदेश से हरियाणा से केंद्रीय नेतृत्व में कैबिनेट के जरिए विदाउट किसी एनसीबीसी आयोग की सिफारिश के बिना ही एक समाज को ओबीसी की लिस्ट में एंटर कर दिया जाता है और उसके पश्चात 9 राज्यों में लागू करके लगभग राज्यवार लाखों नौकरियां चली गई और केंद्र सरकार के अंदर भी एक दिन अखबार में आया हुआ था 37,000 नौकरियां ओबीसी की गई। हमारे पास कितने एमपी एमएलए बैठे हैं जो भी एमपी एमएलए बनता है उसकी एक सोच होती है कि मैं इन्हीं लोगों से टिकट मांग के लाया हूं चाहे बैगिंग करके चापलूसी करके पैसे देके कैसे भी करके वो टिकट लेके आता है उसके बाद उसे ना ओबीसी याद रहता है ना बीसी याद रहता है ना अपना समाज याद रहता है ना अपना देश याद रहता है। उसके सिर्फ याद रह जाता है तो क्या कि अब मेरी लंबी राजनीति कैसे चले मेरे क्षेत्र में दूसरा बढ़ना नहीं चाहिए और मैं हटना नहीं चाहिए इसलिए उसकी सोच सिर्फ निर्धारित हो जाती है कि पूरा प्रदेश आपकी लपटों में आता है और सुप्रीम कोर्ट आपका पक्ष रखता है और लड़ने वाली टीम में सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली अगर कोई टीम है यहाँ सुरैया जी बैठे हैं जिसने आपकी दिल खोल करके इमदाद की और लड़ने वाली टीम ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ा। भाई अशोक जी यहाँ पर बैठे हैं जिन लोगों ने अपने जितनी उनके अंदर हिम्मत थी उतने आपके लिए इमदाद की लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात परिस्थिति ये बनती है कि जिस ओबीसी समाज ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ओबीसी मान करके चाय बेचने वाला और अति गरीब समझ करके वोट दिया 90% लेकिन जब हमारी बैकवर्ड क्लासेस की सपोर्ट की बात आई तो वहां पर सरकार डंडे के आगे सरेंडर कर गई और सरेंडर करके उन लोगों के पक्ष में खड़ी हो गई और रिव्यू पिटीशन डालते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और उन लोगों से कमिटमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत। जैसे जैसे सरकार बैकफुट पर चली वैसे वैसे लोग दादागिरी करके अपनी मनोतियां कराते गए पूरे प्रदेश में आग लगी और पूरे प्रदेश के अंदर हजारों लोगों ने जो तांडव देखा जो के साथ जो संपत्तियां जड़ी दो मौत के घाट उतरे पूरी पार्लियामेंट उस वक्त चल रही है और कहीं कोई छोटी सी घटना होती है सर पे पार्लियामेंट के आसमान को उठा देते हैं लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के पार्लियामेंटेरियन वहां पर बैठे हैं 200 तो कम से कम वहां पर ओबीसी और बीसी के बैठे हैं एससी एसटी के और माइनॉरिटी के बैठे हैं। एक व्यक्ति भी ना पार्लियामेंट में बोलता है और ना सड़क के बोलता है ना मीडिया में बोलता है। इतनी बदकिस्मती के लोग दादागिरी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कौन है सुप्रीम कोर्ट जो हमारे आरक्षण को हटा दे हम लेके छोड़ेंगे नहीं तो आग लगा देंगे और आग लगा दी आग लगाने के बदले मुआवजे लेके केस वापस करवा लेंगे 10-10 लाख रुपए की पर पेशी उन लोगों को अपने केस फाइट करने के लिए वकील करके दिए गए जबकि 200 वकीलों की एक फौज सरकार के पास थी उनके ऊपर वो बिलीव नहीं करते। हम आपका केस हमारी टीम फिर हाईकोर्ट में लड़ती है और सरकार से सरकार को हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन दिलवाती है उस डायरेक्शन में ये पूछा जाता है कि सरकार ये बताए किस जाति की कितनी जनसंख्या है
और किस जाति ने कितनी नौकरियां दे रखी है। ये आंकड़े साथियों 30% के आंकड़े सरकार ने पेश किए हाईकोर्ट को और 69,000 लोगों ने अभी अपनी जात नहीं बताई, उसमें सामान्य लिख दिया जिसमें जाट ब्राह्मण बनिया पंजाबी राजपूत सब आते हैं। जबकि जो 5 मुख्यमंत्री हरियाणा के हुए उन 5 मुख्यमंत्रियों ने जम करके जातिवाद भाई भतीजावाद किया और ये सब 70 के 70,000 ये भी वही लोग, ये 10% के लोग अपनी जाति को कभी 20 बताए, कभी 30 बताए, कभी 35 बताए। मैं दावे से चैलेंज कर सकता हूं कि कोई भी जाति नॉट मोर देन 10% इन ईच स्टेट, कहीं भी किसी भी प्रदेश की हर स्थिति यह है कि कहीं 10 के 11 किसी जाति के, लेकिन वो वर्ग की हो सकती है, जाति विशेषतम 10% के अंदर अंदर आ लेती है। 10% लोगों ने 50% में कब्जा किया। जिस ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है आप यहाँ सब बैठे हैं, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो आंकड़े हैं वो आए 12% के, और ये 12% भी कौन सा है, चपरासी और क्लर्कों में, ना कि इसमें ब्यूरोक्रेसी में, ना कोई इसमें, चलिए डीसीएसपी के जो यूनियन सर्विस कमीशन करता होगा, लेकिन जो निचली भर्ती है वो तो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। उसमें स्टेट में 60% एक ही समाज के लोग हैं, हमारे लोगों को वहां नगण्य के तौर पर सिर्फ 6% रिप्रेजेंटेशन मिली। आप लोग बैगिंग कर रहे हैं और बैगिंग करते करते हमारे 70 साल निकल के, वैसे तो दसों हजारों सालों का इतिहास है, बैगिंग करने वाले लोग कभी भी उनके सर पे ताज नहीं आया करते। जो हमारे लोग हैं एमपी और एमएलए जो बढ़ते हैं उनकी सोच सिर्फ यहाँ जब सेटल आ जाती है हो जाती है कि भाड़ में जाए अपना समाज और ये बैकवर्ड। अभी बड़ी मुश्किल से इनसे टिकट मिला, अगर इनके विद्रोह में कहीं 2 शब्द बोल दिए अगला टिकट कट जाए, वो टिकट की भूख में गाड़ी भेटे। इस देश के इस ओबीसी समाज को 70% को लोग बेच के आ रहे हैं, इनके नाम पे राजनीति तो कर रहे हैं वो लोग, टिकटें के नाम पे मिलती हैं, ओबीसी की किसी जाति की जनसंख्या के अनुपात में टिकट मिल जाते हैं, लेकिन जब हमारे लड़ने की बात आती है तो हम हमारे जितने एमपी एमएलए हैं वो अपनी बात नहीं कह सकते ड्यू टू टिकट की और अपने वोटों की हिस्सेदारी को ध्यान में ना रख करके सिर्फ 10 वोट खराब होने के चक्कर में वो लोग चुप रहते हैं। हमारी आपसे अपील है, पता नहीं अपन ठीक सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, एक जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड में जन लोकपाल करके एक आंदोलन चला। उस आंदोलन के अंदर 5-7 आदमी झंडा लहराते हैं 4-6 बार। 4-6 बार जब झंडा लहराते हैं तो वहां पे जन लोकपाल का मुद्दा भ्रष्टाचार के लिए निकलता है। हालांकि जब ये प्रस्तावित हुआ कि भाई अब ये भेदभाव तो इलेक्शन लड़के खत्म किया जाए, बाकी के सब लोग बैकआउट हो गए, एक आदमी खड़ा रहा, उसने एक आम आदमी पार्टी के नाम से पार्टी बना दी। जनता को बलीव नहीं था इनका कुछ है, लेकिन बिना ही मुद्दे के जन लोकपाल कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं था, भ्रष्टाचार मुद्दा जरूर था, लेकिन उस व्यक्ति के माध्यम से जो छोटा तबका था जो त्रस्त है, सभी जगह यही त्रस्त है, चाहे वो बड़े महानगर है, नगर है, सिटी है, टाउन है, गांव है, सभी जगह यही वो तबका है जो त्रस्त था। इन लोगों ने सोचा कि शायद हमें इस आदमी के माध्यम से कुछ रिलीफ मिल जाए। उन्होंने पानी के, बिजली के बहुत सारे झूठे सच्चे नारे दे करके लोगों को अपने साथ जोड़ा और 28 सीट आती है। 28 सीट आते ही कांग्रेस ने अपना वजूद बचाने के लिए उसको समर्थन किया, बीजेपी को पीछे हटाने के लिए, लेकिन पुलिस केंद्र सरकार में यहाँ दिल्ली शहर की पुलिस सेंट्रल सरकार के हाथ में, वो तो बार बार पुलिस के जरिए उनको टॉर्चर करते रहे और कांग्रेस उनको टॉर्चर करती रही कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। लेटर ऑन वो छोड़ करके भाग गया। जब छोड़ के भाग गया तो दोनों पार्टियों ने समझ लिया कि अब ये भाग गया और खत्म, लेकिन जनता में क्रोध बरकरार रहा कि इन लोगों ने इसे काम नहीं करने दिया और इनको देखेंगे। फिर दोबारा जब 6 महीने बाद चुनाव होता तो फिर उनकी धुलाई
धोबी घाट में कपड़े की इसी धुलाई नहीं करता, जो इनकी धुलाई हुई फिर दोनों पार्टियों की वो आपके सामने। मेरे मित्रों अगर आप ये मांगने वाली किताब खोल रहे, मांगने से कोई दिया करेगा? ये भी आपने एक फहरिस्त बना रखी 50 फुटों की, आप 50 साल से मांगते जा रहे, कोई आपको मांगे से देगा? कोई कभी नहीं देगा, ना आपको जुडिशरी में मिले, मिलिट्री में आपका कौन बैठा? जो अंग्रेजों की उस वक्त चाकरी कर रहे थे पूरे सिस्टम में, जो हमारे देश की जो राजनीति में जो प्रसिद्धि थी, जो लोग उस वक्त अंग्रेजों के चहेते रहे वो आज इस देश में भी चहेते हैं। मैं आपके सामने जो जो कौमें अंग्रेजों से लड़ी, चाहे वो बढ़िया लड़े, सबसे ज्यादा ब्राह्मण लड़ा, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मैनावती, ये सारे सुभाष चंद्र बोस और ये जितने चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर, मंगल पांडे, ये लाला लाजपत राय, मदनलाल ढींगरा, ये जाने कितने लोग, जो लोग उनसे लड़े उन्होंने उनको हाशिए पर कर दिया, जो लोग उनसे जी हजूर रहे वो तब भी मतलब ठाट में थे और आज भी ठाट में है। मेरा आपसे कहने का मकसद सिर्फ इतना है, हम इसको ऐसे, मैंने अपना एक मुद्दा सीधा रखा कि मैं देखना है कि ये लोग डटते हैं या सिर्फ भोंकते हैं। हम लोग जितने भी हमारे सोशल संगठन है वो सब भोंक रहे हैं, ओबीसी, बीसी, ओबीसी, बीसी, एससी, सब भोंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सोचते हैं, जब सोचने की जरूरत आती है इकट्ठे होकर के अपनी वोट पा करके कोई नेतृत्व तैयार करने की बात आती है तब ये लोग, मैंने देखा जो लोग भाषण दे रहे थे हरियाणा के अंदर, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे और दिखाई देते भी है। लेकिन मैं उस मुद्दे को सर अंजाम तक ले जाऊंगा, जिस प्रकार से केजरीवाल जन लोकपाल के मुद्दे को लेके गया था कि अगर मैंने अपने 5 मुद्दों में देना है एक बुक से सबको देना, देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में बाबा साहब ने लिखा, किसी को भी जाति धर्म जन्म स्थान लिंग भेद के आधार पर ना वंचित किया जाए और ना स्पेशल माना जाएगा, कौन देना स्पेशल माना जा रहा है? कहां गई बाकी के कमजोर तबके की रेजिमेंट है? एक आदमी वाल्मीकि के हाथ में डंडा पकड़ाओ 50 पे भारी पड़ जाएगा। हमारे लोगों में जो लोअर तबका बैकवर्ड क्लासेस की किसने रेजिमेंट बनाई? बैकवर्ड तबके के लोग कहां हमारे जुडिशरी में चले गए? बैकवर्ड तबके ब्यूरोक्रेसी कहां चली गई? अगर आप बैंकिंग करते हैं और जो अफसर चाहिए और जहां से कानून पास होते हैं लिखे जाते हैं वहां कोई आपका नहीं, जहां पालना होती है वहां कोई आपका नहीं, आप कब तक 70 सालों से ऐसे चलते जाएंगे? अगर आपने चलते जाना है बैंकिंग के लिए, मांगते जाइए, मांगते तो फकीर बहुत है, इतने फकीर है सब माला माल हो जाते हैं मांगते मांगते कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो दिल्ली में सब कारों की दिल्ली भरी पड़ी है, कोई किसी के ऊपर कोई अपनी दया से लोही कोई डाल दे नहीं आते, फकीर सर्दियों में ऐसे ही बड़े सड़कों पर मर जाते हैं। मुझे लगता है हमें इन सब बातों का ध्यान करके इसके वर्गीकरण करें। अगर वर्गीकरण हम ये मांग लें कि अब वो समय आ गया नहीं मराठे कहीं पटेल कहीं कापू और कहीं जाट आरक्षण मांग रहे हैं, हमें क्या इतराज है? हम कहें सबको आरक्षित करो लेकिन अपनी सीमा के अंदर, जनसंख्या के अनुपात में सबको आरक्षित कर दो ताकि कोई भी नेता किसी जाति का छीन करके किसी अपने को ना दे सके, व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी। हम मांगेंगे 27% में हम उसमें अपने में लड़ेंगे कि भाई इसमें तो जो है ना जो ओबीसी है उसमें ज्यादा आ गया, जो अति पिछड़ा है उसे कुछ किसी ने पूछा नहीं, फिर अति पिछड़े थे उससे भी अति पिछड़ा कोई ना कोई 1% वाला आएगा फिर वो लड़ेगा। व्यवस्था के लिए हम लड़े, व्यवस्था ठीक करने का हम प्रयास करें। हम उंगली उंगली पकड़ रहे हैं, जड़ को नहीं देख रहे, जड़ में असल में जो संविधान में लिखा था मूल रूप में आर्टिकल 14-15 स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसमें किसी को भी न वंचित किया जाएगा न स्पेशल माना जाएगा। हम उसी आधार पर एक बार ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी ये समझ करके इन काली भीड़ों से बच करके जो ये अपनी राजनीतिक रोटियां कोई भी MP MLA बने उसके एक हाथ को छोड़ करके कोई भी ओबीसी के लिए, बाकी ये बता सकते हैं हमारे वकील साहब बैठे हैं, ये सब दरवाजों के ऊपर गए, ये शरद पवार जी को भी मिले, सॉरी शरद यादव जी को मिले, मुलायम सिंह जी को भी मिले, बड़े बड़े नेताओं को मिले,
बस हमारी बात बाहर नहीं आनी कि ये काम आप अच्छा कर रहे हो, उस अच्छे का क्या मैं तवज्जो, हमारे जितने नेता हैं सिर्फ 20-25% की उस संख्या से प्रभावित होकर के अपनी बात कहने में, क्योंकि सारी मीडिया वहां है, सारी भाई भामा साहब लोगों के आगे सारे लोग अपंग बने हुए हैं, और अगर एक आधा आदमी निकलता भी है उसको साथ नहीं मिलता। आप पॉलिटिकली जरा साउंड होने का प्रयास करें, ये काम तो मैं मुझे अगर हरियाणा में आप एक बार सपोर्ट कर लें, ये काम मैं पूरी स्टेट को एक ही स्टेट से करके दिखा सकता हूँ, ताकि जनता को विश्वास आ जाए और लोग बड़ा होंगे, इन लोगों का गला एक मिनट में पकड़ लेंगे लोग। ये कुछ बातें हैं, इन बातों के लिए अपने कोई डेरी हो तो और गाड़ी में पड़ी हो तो सबको बांट देना। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इसके लिए जो हम संविधानिक दर्जे के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, अगर इसमें ये मांगने से कुछ मिल जाए तो प्रयास करें, मैं आपके साथ। नमस्कार।